गुजरात में वडोदरा की रहने वाली भाविका मिडिल क्लास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है। हर किसी की तरह गर्मियों के दौरान इनका भी बिजली का बिल बढ़ जाता है। हालांकि उन्हें 2 महीने में एक बार बिजली का बिल मिलता है, इसलिए उनके पास बिजली की खपत को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले मीटर में क्या हमारे हाथ में जो 2 महीने के बाद बिल आता है वही हम देख सकते हैं, एवरीडे का हम डेटा नहीं देख सकते कितना आज यूज किया। भाविका की तरह ज्यादातर लोग मीटर तेज चलने या बिल ज्यादा आने की शिकायत करते हैं, इसलिए राज्य बिजली बोर्ड स्मार्ट मीटर लेकर आया है। स्मार्ट मीटर क्या है और ये क्यों जरूरी है, इस पर MGVCL के MD का क्या कहना है, सुनिए। अभी जो कंज्यूमर है उसको हम लोग 2 महीने के एंड में बिल करते हैं। इस केस में क्या होगा कि ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग होगा, हमको डे वाइज डेली जो जितना भी कंजम्पशन है उसका हमको डेटा मिलेगा। उसको हम लोग एक एप्लीकेशन दे रहे हैं स्मार्ट मोबाइल ऐप पे, जिसके अंदर वो अपना हर घंटे का जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो ट्रैक कर सकता है, देख सकता है, डेली कंजम्पशन चेक कर सकता है और मंथली कंजम्पशन भी वो चेक कर सकता है। स्मार्ट मीटर ऐप के जरिए लोगों के स्मार्टफोन से जुड़ जाते हैं। ये लोगों को रियल टाइम में रोजाना और हर महीने के हिसाब से, यहाँ तक कि हर घंटे के हिसाब से भी बिजली खपत का डेटा मुहैया कराते हैं। इससे भाविका जैसे कंज्यूमरों को बिजली बिल मैनेज करने में मदद मिलती है। मेरे घर से 2.5 मंथ हो गया स्मार्ट मीटर से लगाया हुए। मैं मेरे फ़ोन में जो एप्लीकेशन है स्मार्ट मीटर की, मैं हर रोज़ के आधे आधे घंटे का भी देख सकती हूँ। वो बेनिफिट है कि आज मैंने कितना यूज़ किया। अभी थोड़ा समर है, एसी वगैरह ऑन होता है तो थोड़ा ज़्यादा रीडिंग आता है, बिल आता है। और वो बेनिफिट है कि हर एक आधे घंटे का मैं डेटा मिल सकता है कि मैंने इतना यूज़ किया, कौन से अप्लाइंसेस यूज़ कर रही हूँ तो कितना बिल आ रहा है, वो मुझे सब घर बैठे मैं रिचार्ज कर सकती हूँ, सब देख सकती हूँ, वो बेनिफिट है। स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को अलग से पैसा नहीं देना पड़ रहा है। अब तक ऐसे करीब 27,000 मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटरों को अपनाकर लोग बिजली का बिल मैनेज कर रहे हैं, साथ ही बिजली की बचत भी हो रही है।